Welcome students, so today we are going to start with an experiment which is the base of genetics, yes. And बहुत एक अच्छा experiment है और थोड़ा सा इसमें equations भी आएंगी, तो notebook और pen अपने साथ रखना ताकि ये examples हम समझे, because इस particular experiment की एक खास बात है कि theoretical scientific explanation होने के साथ साथ mathematical एक उसका aspect है जिसने इस पूरे experiment को इतनी success दी. So yes, let's understand what is the base of the genetics, that is how Mendel's experiments of pea plants help us to understand the genetics. Pea plants bahut simple hai, inse this is the base of the genetics, and yeah, he is the father of the genetics. तो बहुत सिंपल उन्होंने प्लांट लिए और उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट एक सेटअप किया. जैसे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया जितनी सिंपलसिटी से और जितने अच्छे से उनको कंक्लूड किया, आज हम भी उस इस एक्सपेरिमेंट को उसी तरीके से समझेंगे. और जैसे जैसे वो मेंडल सर जैसे जैसे उस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ रहे थे, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो सब हम देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. So let's understand. पहले तो let's thank him. So yes, he's father of the genetics, and no, a नाम है इनका Gregor John Mendel, and he's the father of the genetics. And why इनके experiment किस पे था? He has used a plant, उसको बोलते हैं garden pea plant, and the botanical name is Pisum sativum. और उन्होंने जो experiment किया उसको बोलते हैं Mendel's experiment. अब मेंडल एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या वो देखते हैं. आपको एटलीस्ट इतना तो पता चला होगा, इतना तो पता होगा कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने प्लांट में करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर एक्चुअली इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और ये जो एक प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की, उसमें एक और प्रोसेस होता है पॉलिनेशन. ठीक है, पॉलिनेशन समझ लो एक टाइप का ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू दी फीमेल गैमेट्स, मतलब ओवरी में. फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर आपके 10th क्लास में है. बट मेंडलसन ने क्या किया, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया. थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. Now what he has done, see this is the pea plant जिसमें purple color के flower आ रहे थे. उन्होंने garden में pea plant किए लिए अपने field में, और उन्होंने एक pea plant का जो purple color का flower देता था उसको cross pollination कराया pea plant से ही जो कि white color का flower देता था. डिफरेंट मतलब, एंड अगर आपको मैं एक्सपेरिमेंट करने दूं कि इसके साथ इसको क्रॉस मतलब क्रॉस किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो आप भी तो एक्सपेक्ट करोगे, आप भी तो उम्मीद करोगे कि कोई उसके जो बच्चे होंगे, जो उसकी ऑफस्प्रिंग्स जो अगली जनरेशन आएगी, उसमें वाइट फ्लावर दिखना, उसमें एक ऐसा प्लांट तो दिखना चाहिए ना जो वाइट कलर का हो. बट सरप्राइजिंगली देर वॉज नो वाइट कलर वाला प्लांट, फ्लावर वाला प्लांट इन द फर्स्ट जनरेशन. सो दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन कि मैंने क्रॉस, मेंडल सर का फर्स्ट क्वेश्चन आया कि क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फर्स्ट जनरेशन में कोई नहीं दिखा वाइट कलर वाला. फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े, जब वो थोड़ा और आगे बढ़े, ये पहली जनरेशन, ये पेरेंट्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है. फिर उन्होंने क्या किया, इनको कुछ अभी इनको ऐसे ही रखा, इन दोनों में जो फर्स्ट जनरेशन के जो दो प्लांट थे उनमें पर्पल कलर के, उन दोनों को जब भी फिर से पॉलिनेशन, जब फिर से उनके बीच में सेल्फिंग की या बोलते हैं ना पॉलिनेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन, तो उन्होंने एक प्लांट पाया जो वाइट कलर का था फिर से. तो फिर द सेकेंड क्वेश्चन कि भाई पहली जनरेशन में गायब, फिर फर्स्ट जनरेशन का जब भी क्रॉस ये पॉलिनेशन कराया तो फिर एक दिखा, ऐसा क्यों? दिस वॉज द सिंपलेस्ट, और आई कैन से दिस वॉज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
मेंडल सर कि उन्होंने आगे चल के जो जेनेटिक्स में यूज किया, एंड या अभी वो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या इंटरप्रिटेट किया, वो मत सोचो अभी. उनका एक्सपेरिमेंट ये था. दिस इज द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल यू ऑल्सो इमेजिन योर सेल्फ इन दैट एरा ओनली जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था. जस्ट इमेजिन यू आर वर्किंग विथ मेंडल सर. मेंडल सर तुम्हारे साथ, आपके साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन बताया कि अरे ये ऐसा हुआ, फिर यहाँ पे पर वाइट नहीं, फिर यहाँ पे वाइट आ गया, क्या रीजन है? अब ढूंढना तो पड़ेगा, तो चलो ढूंढते हैं. मैं आपको फिर से, बिकॉज आई एम रेडी टू हेल्प यू, तो मैं आपको एक और यहाँ पे हेल्प कर देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कि कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें. एंड येस टूडे दे आर नोन एज जीन, पर वो टाइम पे मेंडल सर उसको क्या बुलाते थे? फैक्टर्स, कैरेक्टर्स बोलते थे उसको, वो फैक्टर्स बोलते थे. ही यूज टू से देर आर सम फैक्टर विच आर गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वो जो कैरेक्टर वो बोलते थे वो क्या है. बट अगेन वो वहाँ पर ही नहीं रुके मेंडल सर, उनको भी तो चेक करना था ना कि फ्लावर के साथ ही, मतलब फ्लावर के कलर के साथ ही ऐसा हो रहा है, वेरिएशन के और भी. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में और भी कैरेक्टर्स लिए. फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर तो मैंने बता दिया, प्लांट हाइट लिया, उन्होंने सीड कलर के साथ भी ये एग्जांपल करके देखा, यही पॉलिनेट. फिर सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर की पोजिशन भी देखी. इसको अभी मत पढ़ो, जस्ट होल्ड ऑन, डोमिनेंट और रिसेसिव मत पढ़ो. तो उन्होंने क्या किया, वो फ्लावर कलर के वो कैरेक्टर पे ही नहीं सीमित रहे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को और भी आगे लेकर गए विद दीज कैरेक्टर. और उन्होंने बोला कि देर आर सम फैक्टर्स एंड कैरेक्टर विच आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एंड नाउ इन द टुडेज एरा, नाउ वी नो दैट फैक्टर और दैट कैरेक्टर एज जीन. नाउ अभी भी क्वेश्चन, हमारा अभी जो हमको डाउट आया है फर्स्ट जनरेशन सेकेंड, वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है बच्चों, अभी इसको सॉल्व करना है. तो वो कैसे उन्होंने सॉल्व किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो समझते हैं. अब पर्पल कलर का फ्लावर है, तो उन्होंने उसके पास जीन होगी, उसके सेल में भी जीन होगी ना जो कोड कर रही है पर्पल कलर के लिए, अब समझ रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल, और यस वो डिप्लॉयड होगा, दो सेट होंगे, माताजी से पिताजी से आए होंगे. तो मैंने पर्पल कलर को, मैंने नहीं, मेंडल सर ने पर्पल कलर को कैपिटल पी से दिखाया. ठीक है, और वाइट कलर को हमने दिखा दिया स्मॉल पी से. मतलब जिस प्लांट के का कलर, जिस प्लांट में जो फ्लावर आ रहा है वो पर्पल कलर का है, तो उसके पास कैसी जीन है, ये वाली कैपिटल पी. व्हाई इट इज कैपिटल पी, बिकॉज होमोलोगस कंडीशन में रहेगी ना, डिप्लॉयड स्टेज में. व्हाइट कलर की स्मॉल पी में रहेगी. तो अभी इनका सेग्रीगेट करो, ऐसा कुछ. मतलब ये कैपिटल पी से दो गैमेट्स मिलेंगे और ये स्मॉल पी से दो गैमेट्स मिलेंगे, एम आई राइट? तो ये मैंने लिखा. अब इनका जब पॉलिनेशन हुआ और उसके उस, अगर ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसे सीखना, तो इसको एक टेबल से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पॉनेट्स मेथड. यहाँ पे लिख दो फीमेल, यहाँ पे लिख दो मेल. ठीक है, अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पी है, तो पी पी स्मॉल पी स्मॉल पी. ठीक है, तो यहाँ इस डब्बे में, इस में क्या आएगा, एक कैपिटल पी आएगा, एक पी आएगा. ऑफस्प्रिंग ऐसे ही होंगे ना, एक कैपिटल पी आएगा, एक स्मॉल पी आएगा, एक कैपिटल पी आएगा, एक स्मॉल पी आएगा, एक कैपिटल पी आएगा, एक स्मॉल पी आएगा. आया? ये जो मैंने ये किया ना, इसको बोलते हैं पॉनेट स्क्वायर मेथड. अभी लेट्स
conclude this slide first. Capital P corresponds to purple color ka flower, small p white color ka flower. These are the parents. Gametes इनके कौन कौन से हुए? These are the gametes. फिर इनके offsprings. Am I right? तो चारों purple color के दिखे. हाँ या ना? बिल्कुल सही. यही हुआ है. अब आपको question आएगा कि ma'am, so this is which I have shown purple. ये first generation के थे. यही same explain किया. सब purple color के हैं. अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ पे तो एक कैपिटल पी है, एक स्मॉल पी है, तो फ्लावर का कलर पर्पल ही क्यों? नॉट व्हाई नॉट वाइट? व्हाई इट इज नॉट वाइट? बिकॉज पर्पल कलर की जो जीन है इट इज डोमिनेंट. डोमिनेंट का मतलब क्या? उसके आने पर, उसकी प्रेजेंस पे बाकियों के असर को कम हो जाता है. मतलब जहां पे कैपिटल पी आ गया, स्मॉल पी का कोई असर नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डोमिनेंट जीन. इट इज अ मोर पावरफुल जीन एज कंपेयर टू द वाइट वाली. तो पर जो कैपिटल पी, जो पर्पल कलर है, इट इज अ डोमिनेंट जीन. तो जहां पे भी ये प्रेजेंट रहेगी, वो प्लांट कौन सा फ्लावर उसका कौन सा कलर का आएगा? पर्पल कलर का. तो ये जो कैरेक्टर्स की बात हो रही थी, फॉर एग्जांपल पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, इन सब में एक ऐसी जीन होती है जो अपना असर दिखा सकती है. एक ऐसी होती है जो ये डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में अपना उसका असर कम हो जाता है. एंड यस, उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन. वीकर एंड हाइड्स इन द बैकग्राउंड. ट्रेंड कैन बी ओनली डिटरमाइन व्हेन टू ऑफ देम आर प्रेजेंट मे शो इन फ्यूचर जनरेशन. अब यहां पे मैंने क्या बोला? कि कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, इट इज अ डोमिनेंट जीन. ठीक है, डोमिनेंट जीन है. मतलब इसका असर दिखेगा, इसका नहीं. ये क्या हो गई? रिसेसिव हो गई. तो इसीलिए फर्स्ट जनरेशन में सब में कैपिटल पी था, इसीलिए सब पर्पल कलर के हो गए. अब आपने के अभी आपको ये समझ गया कि या बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन, छोटा पी का असर कम हो गया. मतलब व्हाइट कलर का फ्लावर दिखाई नहीं. तो क्या रिसेसिव जीन कभी नहीं दिखेगी? यस, दिखेगी. कब दिखेगी? उसके लिए आपको सेकेंड जनरेशन पढ़ना पड़ेगा. तो ऑलवेज एक्सप्रेस, ये अभी ये पूरा एक स्लाइड समझ जाएगा. ये जीन है जो ट्रांसफर हो रही थी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. जो पर्पल कलर है वो ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, मतलब डोमिनेंट जीन. एंड व्हाइट कलर सप्रेस्ड, मतलब ये ऑलवेज एक्सप्रेस्ड होगी, ये ऑलवेज सप्रेस नहीं होगी. अब कब सप्रेस नहीं होगी, चलो सेकेंड जनरेशन में समझते हैं. अब पर्पल कलर का फ्लावर था, वाइट कलर का फ्लावर था, F1 जनरेशन आई, सब पर्पल कलर के आए. मैंने क्या कहा था कि वो फर्स्ट जनरेशन में जो पर्पल कलर आए, फर्स्ट जनरेशन में जो पर्पल कलर आए बच्चों, उनका जीन कैसा था? ऐसा था. ये वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ. देखो यहाँ पे मैं ये यहाँ पे लिख रही हूँ. मैंने इन्हीं का पॉलिनेशन करवाया था, मतलब ऐसा कुछ. तो चलो पनेट स्क्वायर मेथड बनाते हैं. मेल फीमेल, ठीक है. अभी यहाँ पे ये आएगा, इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो. अभी काउंट करते हैं. कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल पी स्मॉल पी. ठीक है, ये सब बड़े जो हैं वो कैपिटल पी. तो ये कौन सा कलर का होगा? पर्पल. ये दोनों एक ही जैसे हैं ना. तो कैसी जनरेशन मिली? एक कैपिटल पी मिली, एक ऐसा कुछ मिला,
और एक ऐसा मिला ना, ठीक है। ये कौन से कलर का होगा? पर्पल। ये कितने हैं? दो है ना, तो दो और पर्पल मिलेंगे। क्यों ये दोनों क्यों पर्पल होंगे? क्योंकि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। पर ये दोनों, इनमें दोनों में क्या है? स्मॉल पी, मतलब डोमिनेंट जीन है नहीं, तो वाइट, इसलिए ये वाइट था। देखो स्मॉल पी, तो यस आई कैन से रिसेसिव जीन, छोटा जी, छोटा कैपिटल जो लेटर, सॉरी छोटा लेटर है, वो कब अपना असर दिखाएगा? जब होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। तो यस द होमोजाइगस कंडीशन इज आइदर कैपिटल पीपी और स्मॉल पीपी, मतलब सेम सेट ऑफ जीन, बोथ आइदर विल बी डोमिनेंट और रिसेसिव। हेटरोजाइगस मतलब कैपिटल पी स्मॉल पी, डिफरेंट सेट ऑफ जीन, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव। असर किसका दिखेगा? डोमिनेंट जीन का। तो ये जीन का एक स्ट्रक्चर था, जीन जेनेटिक्स का। अगर अब ये वो जो होमोजाइगस और हेटरोजाइगस को और थोड़ा समझना हो तो ये याद कर लो, हम लोग क्या है? डिप्लॉइड सेट हैं। फादर से एक आया और एक मदर से आया, 23 पेयर ऑफ जीन थे, इसीलिए मैंने ये इसको भी, सी यू हैव टू ड्रॉ द पनेट स्क्वायर मेथड इन टेक्स्ट बुक सो दैट आपको समझे। तो ये देखा और ये देखा, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन थी, ये हेटरोजाइगस है, ये वाइट होगा, ये पर्पल होगा और ये पर्पल होगा। क्यों पर्पल होगा? क्योंकि डोमिनेंट जीन है। अगर ये समझ आ गया तो लेट्स आंसर। बी, कैपिटल बी करस्पॉन्ड्स टू ब्राउन आईज, मैं अपना हमारा एग्जांपल ले रही हूँ, ब्राउन आईज, दैट इज डोमिनेंट जीन। सो छोटा बी इज ब्लू, वो है रिसेसिव जीन। सो टेल मी, कैपिटल बी, कैपिटल विल बी विल बी डेफिनेटली ब्राउन आईज होगी, ओके। स्मॉल बी ब्लू आईज होंगी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी ब्राउन आईज ही होंगी, बट कैरी द रिसेसिव ब्लू आई जीन। है ये भी पर्पल, बट ये क्या कैरी कर रहा है अपने साथ? एक रिसेसिव जीन। क्या रिसेसिव जीन? रेसेसिव जीन। कौन सी वाली बच्चों? व्हाइट कलर की। तो पर्पल पर्पल व्हाइट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों पर्पल में, ये प्योर पर्पल है, इसके पास दोनों ही जीन गैमेट्स किसके हैं? पर्पल के हैं, बट यहां पे कौन सी एक जीन है? व्हाइट की, रेसेसिव जीन भी है, जो आगे चलकर व्हाइट कलर का हमको सेकेंड जनरेशन में दिखाई देती। नाउ बहुत सिमिलर एक, अब अगर ये समझ गया कैपिटल पी स्मॉल पी और ये, तो अब समझ जाएगा व्हाट इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। अब ये प्लांट में फॉर एग्जांपल, लेट्स फिर से अंडरस्टैंड, समझ लीजिए ये पर्पल कलर के फ्लावर हैं, हाँ ये कैरेक्टर्स आप देख सकते हो पर्पल कलर, ठीक है। ये कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स देख सकते हो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। बट क्या उस पर्पल कलर के फ्लावर को आप देख के बता सकते हो कि उसके पास कैपिटल पीपी है या ये है? कौन सा है ये पता चल, देख के बता पाओगे? नहीं। और उसको बोलते हैं उसका जेनेटिक मेकअप। क्या बोलते हैं? उसका जेनेटिक मेकअप, जो दिखता देख के नहीं समझ में आएगा, समझेगा नहीं। तो जो कैरेक्टर्स आप विजुअली देख सकते हो उसको बोलते हैं फिनोटाइप, और जो नहीं देख पाते जो उसके जिन, उसको बोलते हैं जेनेटिक मेकअप, दैट इज जीनोटाइप। सो यू अंडरस्टूड अबाउट द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, एंड दैट्स Why I have explained you this, because you have to calculate the phenotype and genotypic ratio now. Now, let's calculate.
अभी यहाँ पे इसका दिया है टॉल एंड डॉर्फ का, यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद दी पर्पल कलर एंड वाइट कलर, बेटर वी टेक ये अभी ये इसको डिस्प्ले होने दो, लेट्स टेक पर्पल एग्जाम्पल ओनली. अभी हमारे पास सिमिलरली वी हैव टू ड्रॉ पर्पल, पर्पल और वाइट था, पेरेंट थे हमारे, उनका फिनोटाइप क्या था, पर्पल और वाइट. सो दिस वॉज द फिनोटाइप. ओके, अब इनका जीनोटाइप क्या था, हमको पता था जीनोटाइप, कैपिटल पी पी था और दूसरे का था स्मॉल पी स्मॉल पी. इनके गैमेट्स क्या थे, एक कैपिटल पी ही रहेगा और एक स्मॉल पी, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. फर्स्ट फिलियल जनरेशन मतलब एफ वन जनरेशन कैसे रहेगी, एक कैपिटल पी एक ये. मैंने क्या बोला था, ये सारे कौन से कलर के आ गए थे, पर्पल कलर, क्यों, डोमिनेंट जीन थी. अब क्या करेंगे, सेल्फिंग होगी इन एफ वन में, तो कैसे होंगे, पर्पल मतलब ये वाला इन ये इनटू पर्पल, ये भी पर्पल ही था, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. अब ये इनका इनका ये जीनोटाइप है, अब ये इनका, लेट्स डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, दिस वॉज दी एफ वन जनरेशन, एम आई राइट. अब इस एफ वन जनरेशन के बीच में सेल्फिंग होगी, तो पर्पल इंटू पर्पल, ये इनके क्या हो गए, फिनोटाइप, पर जीनोटाइप वॉज डिफरेंट. वाई, बिकॉज देर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ अ रिसेसिव जीन ऑल्सो, तो कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी. इनके गैमेट्स, उसके लिए क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर मेथड बनाएंगे, ठीक है. लेट्स टेक हियर मेल और इधर फीमेल, दोनों ही पर्पल हैं बट कैरियर्स हैं, ठीक है. कैलकुलेट, ऐसा कुछ यही बना, तो ये ऑफस्प्रिंग्स बने. ओके, नाउ लेट्स गो हियर ओनली. कैपिटल पी मिला एक, कैपिटल पी एक, ये दो ऐसे मिले और एक छोटे छोटे दो स्मॉल पी मिले. ये पर्पल था, ये ऐसे एक, ये जनरेशन हमको मिल चुकी है, मतलब आई कैन से. और अभी इनका कलर बता दो मुझे पहले, पर्पल, एक पर्पल मिला, दो पर्पल और एक वाइट और मिला. ये दिखने में ऐसे दिखते थे. हाँ, लेट्स गेट और एक सिंप्लीफाई कर देती हूँ. लेट्स सिंप्लीफाई मोर. कैपिटल पी मिला था, ऐसे दो मिले और ये एक छोटे छोटे मिले. ये पर्पल हो गए, ये दोनों भी पर्पल हो गए और ये दोनों छोटे वाले वाइट हो गए. दिखने में कौन कौन से तीन, कौन कौन से चीज़ें आपको मिली, दो दो ही वेरिएशन मिले, एक पर्पल मिला और एक वाइट मिला. तो अगर मैं फिनोटाइपिक रेशो की बात करूँ, फिनोटाइपिक, सी यू हैव टू राइट इन योर, ड्रॉ दिस पनेट स्क्वायर मेथड इन योर नोटबुक, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो एक पर्पल, एक ये पर्पल मिले और यही दो वेरिएशन मिले. पर्पल कितने मिले बच्चों, तीन. व्हाइट कितने मिले, वन.
सो दिस रेशियो इज फिनोटाइप. अब जीनोटाइप क्या था? जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? उनका जेनेटिक मेकअप वो कैसा है? एक कैपिटल ऐसा कुछ. हाँ, तो कैपिटल पी कितना है बच्चों? एक. स्मॉल, बड़ा पी छोटा पी दो हैं, और स्मॉल पी स्मॉल पी एक है. तो दिस इज द फिनोटाइपिक. जो दिखा पर्पल और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिखा, तो ये तीन है. बट एक्चुअल में जीनोटाइपिक रेशो कैसा था? 1:1. एंड वेयर एज फिनोटाइपिक रेशो वॉज 3:1. सेम थिंग आई हैव एक्सप्लेन विद द अदर कैरेक्टर ऑफ द पी प्लांट, दैट इज टॉल एंडॉर्फ. टॉल एंडॉर्फ पेरेंटल जनरेशन सेल्फिंग इन F1. टॉल एंडॉर्फ का कैपिटल टी स्मॉल टी डॉर्फ, और ये कराओगे टॉल 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 डॉर्फ. तो टॉल और डॉर्फ का 1:2. टॉल कितना है? 3. 3:1. वेयर एज जीनोटाइपिक रेशो विल बी 1:2:1. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव लर्न टुडे एंड दैट आर द टर्म्स इन जेनेटिक्स. सो हमने सीखा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैविंग टू सेट्स ऑफ जीन. वी ऑल आर डिप्लॉयड. रिमेंबर दैट वो बच्चे का स्लाइड और एक वहाँ पे एक पी बच्चे का कोड रखा था मैंने. ओके, होमोजाइगस मतलब बोथ द एलील्स विल बी सेम. कैपिटल पी स्मॉल पी स्मॉल पी. हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल पी एंड स्मॉल पी. डोमिनेंट जीन मतलब असर दिखना. कैपिटल पी का असर दिख रहा था. रिसेसिव जीन का असर कम हो जाना. बट यस, वो खुल के कब दिखेगा? जब वो कौन सी कंडीशन में होगा बच्चों? होमोजाइगस कंडीशन में होगा, मतलब डोमिनेंट जीन उसके साथ नहीं होगी. फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नली जो हम देख सकते हैं. जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप. नाउ दो टाइप के क्रॉस होते हैं. जो आज मैंने देखा उसमें हमने एक ही कैरेक्टर लिया था. आइदर आई वॉज टेकिंग आईज और आई हैव टेकन पर्पल कलर का एग्जाम्पल. एक पनेट स्क्वायर मैंने आपको बनाया था, बताया था. टॉल एंड डॉर्फ मतलब प्लांट हाइट लिया था मैंने. एक कैरेक्टर वो ले लिया. बट यू कैन टेक एंड एक्चुअली आपकी नेक्स्ट मतलब मेडल सर ने आगे क्या किया, पर्पल कलर के साथ दूसरा एक कैरेक्टर भी लिया. फॉर एग्जाम्पल हाइट ले ली या तो सीड का शेप. तो मतलब जब दो कैरेक्टर एक साथ स्टडी करोगे तो उसको बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस. और वेयर एज जब आप एक कैरेक्टर स्टडी करते हो तो उसको बोलते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस आज हमने सीखा. और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो आता है 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशो आता है 1:2:1. अगली क्लास में हम डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे और उनका क्या रेशो है वो समझेंगे. बट हिंट मैं आपको दे दूं कि डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी होते हैं. सो इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद डायहाइब्रिड क्रॉस. बट बिफोर दैट मेंडल के एक्सपेरिमेंट का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो है, वो अपनी टेक्स्ट बुक अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो. अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ो सो दैट डायहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना आसान हो जाएगा. इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ डायहाइब्रिड क्रॉस. थैंक यू.